हाउस मॉमी पार्टी अटेंड करके। हाँ जी, मैं तो दो तो वेट कर रही थी कि ओ वाले फ्लैट के कोई आएगा तो सानू खेडन ले एक और साथी मिलेगा। हाँ जी, मेनू ते अज दा खाना बड़ा चंगा लग्या। क्या मेन्यू सी? पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज ते आइसक्रीम। ए सब ता ठीक है, पर अज पाई साहब ने अंकल जी दे कहन ते शुकराने ले जिहड़ा शब्द पढ़िया सी ना। हाँ जी, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। की जो मैं सोचता पिया, तुसी भी वही सोचते पे हो? हाँ जी, असी अपने
एतवा दिखता है कुछ ऐसे क्यों है यहाँ कि शब्द दे रहा हूँ आधार बना के कि शब्द गायन करना चाहिए है ते जदो रहा हूँ आधार बना के रखांगे ता शब्द सही पाव सही समझ आएगा करेक्ट रहा हूँ शब्द सेंट्रल आइडिया होंडा है और ए चॉइस है गुरु साहिब दी गुरु साहिब ने रहा पाया फिर रहाव सानू समझ आ गया जदो रहाव सानू समझ आ गया ता फिर सानू पूरा टॉपिक ही समझ आ गया रहाव दे आसरे सानू पूरा शब्द समझ आ सकता है। हां जी चलो साडे नेबर्स ने जो भी कीता असी किसी नु गलत नहीं कहना क्योंकि सानू सारा तो यही ता दसया गया है कर लिया जो मांगे ठाकुर अपना दे करवच बच्चा होया पूता माता किया करवच खुशी दा माहौल होया लग खुशरा बादशाहियां इन्ना ही नहीं असी इना शब्दा नु बैराग में ही आग दिता जिवे नौवे महल्ले दे सलो असी एका वाणी एक गुट एको शब्द विचार दा कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं सके आओ असी समझन दी कोशिश करिए कि गुरु अर्जन साहिब जी पूरे समाज नु तेनासी राग विच की सिख्या देन दे पाए हन इस शब्द दे रहाव दा बंध है हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अब गुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद रहाओ पा रहाव विच गल चलदी पई है हर जन दी सेवक दी सेवक दी क्वालिटी पता की है ना ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर सदा पुजारी ठाकुर के सेवक की मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत सेवक ओ है जिड़ा आज्ञाकारी है सेवक ओ है जिड़ा सच्ची ते सच्ची जिंदगी जिंदा है मतलब ए निकलिया जो भी मनुख रब जी दे नियम नू सच्चे ज्ञान राही समझ के जिंदगी जिंदे हन और रखे जांदे हन They are protected for sure. What does this mean? Jadon main niyam de anusar zindagi banayi, I decide to be honest. I decide to be respectful in life. I decide to be hardworking. I decide to enjoy my life. But not at someone else's expense. I learn to live happily and share. Fir main ubale kam karangi ki meri rakhya होनी ही होनी है करेक्ट अते जदों गल आंदी है रख्या दी सानू बानी विचो पता लगदा है पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे खेद कर है अर बहुत संताव है आयो शरण तुहारे पंच बिखादी पंच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अते होर अवगुणा दो गल दी रख्या दी गल चलदी पई है अरे कहन जी समझन वाली है अगे आना है हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मिटे गल है कंठ लांदी रब जी दाटे कुछ फिजिकल रूप नहीं है गुरु शब्द है कंठ लाए द मतलब मतलब अपना जीवन सवार ले कैरेक्टर ऊंचा करन ले जिंदगी विच पेशेंस लेके आन ले अच्छा इंसान बनन ले जो भी सच्चे ज्ञान नाल एक मिक हो जांदा है ओ शब्द ना जड़ जांदी है ओ एक चंगी जिंदगी जींदा है यस अते देखो अवगुण सब मेटे दी कितनी जल्दी पई है टॉपिक खुलदा पिया है जो मांगे थे अवगुण सब मेटे तो दूर जाके नहीं कीते जा सकते कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद ओ रबी ने मांगली ओ सच्चा ज्ञान दया करदा है बस असी उस नियम विच जीना है ताकि असी उस दया दे पात्र बन सके मतलब हल तक पाप एक समझ आया जो भी मन रब जी दी ने मांगली अनुसार चल देने लॉज ऑफ नेचर ने फॉलो कर देने ओही रब जी दे सेवक हैं अते गुरु की मात्र ही मांदे सारा गुण में जान दे हैं पाव उन्हें दिरा के होंदी ही होंदी है और काम इन्ने अच्छे कर देने ही कारा नाल उन्हें दी आत्मिक मौत नहीं होंदी असी इसमें एग्जांपल लाई समझन की कोशिश कर एक बंदा उसनों डायबिटीज थी वो काफी कमजोर हो डॉक्टर ने उसने कहा
कि तुहानू मिठा लिमिट विच खाना पवेगा। उस मरीज ने डॉक्टरी गल ते सुनी पर मन्नी नहीं अते मिठा खा खा के हो गया बीमार। फिर दसो उसके बीमार होने का कारण आप ही होया ना? हां जी, साडा हाल भी ते एहो जिहा ही है। असी गुरु साहिब नू मनदे हन पर गुरु साहिब दी नहीं मनदे। असी अपने अंदर वेखे कि असी अपनी मनदे मत दे कारण बीमार ते नहीं। राहव असी समझिया कि जदों असी अपनी मत छड के रब जी दी मत लई सच्चे ज्ञान अनुसार जिंदगी जीनी शुरू कीती ता मैं आप रब जी दी गल वखरी विच आ जावांगा। फिर पता की होएगा, मेरे सारे गुण आप खत्म हो जाएंगे। जिवें इंपेशेंस की जगह पेशेंस आनी शुरू हो जाएंगे। क्रिटिसाइज करने की बजाय सपोर्ट करना आ जाएगा। झूठ बोलने की बजाय सच बोलना आ जाएगा। अते आलस करने की बजाय मेहनत करने में मजा आ जाएगा। हुण शब्द दे पहले बात नु समझिए। चतुर दिशा की नोबल अपना सिर ऊपर तरतारियो कटाक्ष अवलोक कनकीनो दास का दुख बदारो। मतलब रब जी दीन माउली ओना दी लोस चारो दिशा वचन पाव सारी दुनिया ते लागू हुंदी ने। ते असी कई बार डिस्कस किया कि रब जी वेरी वेरी अच्छा, कोई भी ओना ते लोस तो हुकुम दा बाहर नहीं है। इस गल दी स्पष्टता ते सानू जब जी साफ तो ही हो जांदी है। असी रोज पढ़ते हां ना हुकुम अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। रब जी दी नमावली हर जगह बिना रोक टोक के लागू हुंदी है। कृपा कटाक्ष मतलब मेहर दी तीखी नजर। हुणे सी समझ जा कि रब जी दी नमावली सब ते लागू हुंदी है। ते हुण मैनू अपने आप रब जी दी कृपा दा पाटर बनना पाएगा। होर अपने जीवन विच इन्ना दुख लियाना पाएगा। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बदारो। पाव रबी ज्ञान सदका मनुख ने अपने अवगुणा नु पहचान अते ओ मर ने की कीता ओ मर ने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीता। पर कई लोग कीते बोलदे ने कि साडे उत्ते ते कृपा हुंदी ही नहीं। अच्छा, फिर तुसी मैनू दसो कि कदे इस तरह होया है कि पानी मेरी ही प्यास बुझाए पर तुहाडी ना बुझाए? नहीं। कि कदे इस तरह होया है कि अग मेनू ही गर्म लगे पर तुहानू ना लगे? बिल्कुल भी नहीं। तारा जो लोग बोलदे ने कि साडे उत्ते ते कृपा हुंदी ही नहीं, एदा भाव ए है कि असीं सवेरे दे समय घर दा पर्दा ला के कंप्लेन करदे हां कि साडे उत्ते ते धुप नहीं आंदी। गलती थोड़ी दरुस्त है। हुन जे कोई कृपा दा पात्र बनना चाहुंदा है ते आप एफर्ट्स करनी पैणगे। फॉर एग्जाम्पल, जदो एग्जाम विच पास होना होए ते आप स्टडीज करनी पैणगी। जदो स्पोर्ट्स पर्सन बनना होए तभी आप ही प्रैक्टिस करनी पैणगी। मैनू सेल्फ एनालिसिस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। इस पंथ विच असी समझिया कि जिस तरह एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन उस देश के लोगों ते लागू होता है, उसी तरह रब जी का कॉन्स्टिट्यूशन रबी नमावी सारी सृष्टि ते लागू होती है। वह नियम सारे लिए बराबर है अते कोई वितकरा नहीं है। अते वह असी उस नियम के अनुसार चल के अपने जीवन को एनालाइज कर सकते हैं अते अच्छा जीवन जी सकते हैं। हुन शब्द दा अखीरला बंद, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले ईहा उहा सच होवे। पाव मैं जो जो भी अपने रब जी पासो मंग दी हा, रब जी मेरी सारी मंगा पूरी कर देंदे ने। हुण जे मैं अपनी मत इस्तेमाल कर इस पंक्ति समझांगी ता मेरी मंगा ने विस्तृत हो जाना है। वर्ल्डली बिलोंगिंग्स तक मतलब पैसा गड्डी घर एक्सेट्रा ताही ते असी वेख्या ना। आज अंकल जी ने अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी विच पैसा नु एक शब्द गौन ले गया क्योंकि ओना दी मांग कर तक ही सीमित थी। पर गुरु साहिब समझाउंदे हन
मांगना मांगनी का जस गुरते मांगना साडा घर गड्डी होनी चाहिए है ओदले असि मेहनत करनी है पर मैं मांगना सीखा कि एना चीजा ले मैं तो के बाद ना बन जावा मैं लालची ना बन जावा जी मैं कोई भी मत यूज करके अते रहा नु आधार बना के समझांगा तब मेनू पता लग जावेगा कि रब जी तो केड़ी मांग करनी है जेड़ा कि असि हुने डिटेल विच ही समझया है कि रब्बी गुणा नु तारण करन दी मांग करनी है अगुण दूर करनी है हुनो अगुण किसने दूर करने है मैं किसते नाल दूर करने है और सच्चे ज्ञान दे नाल वी आर ऑनेस्ट विद सेल्फ आई नीड टू फाइट टू इंप्रूव We will improve for sure. There will be a transformation in our life. If kitte nahi panne kaale, asi agar effort le, ta our life will change for good. So, matlab e nikliya jo mange, thakur apne te soi soi deve. Jeda hi manakh apne avguna to bachna chahunda hai, udham karda hai, efforts karda hai, odi e mang puri ho jandi hai. नानक दास मुखते जो बोले इहां उहां सच होवे हुण इधर एक गल क्लियर है कि सानू दस्या जा रहा है कि रब जी तो केड़े केड़े चंगे गुण मंगने ओ गुण मैं जींदे जी दान कर इधर इहां उहां दा पाप ए नहीं है जीवन दो बात दी कर इधर पाप है जो सेवा हर जन अपने अवगुणा नु दूर करन दी इच्छा रखदा है ओ सुपरफिशियल नहीं हुंदा ओ जेन्युइन हुंदा है ओ अंदरों पारों एक हुंदा है ओ दिखावा नहीं करदा There is a burning desire to change for good and become good. ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਤਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਅੱਜ मैं ऐसे सीख रहा कि इस शब्द विच मेरे अवगुण मिटान दी गल हो रही है मैनू समझ आया कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके रोज एफर्ट्स लेने चाहिए हन इंप्रूव करन दे लिए मैनू समझ आ गया कि पानी दा हर एक शब्द हर एक बंदे ते लागू हुंदा है इसलिए सानू इस तरह नहीं सोचना चाहिए है कि यह शब्द इसलिए ते ओ शब्द उस लिए यस पर हां एक चीज याद रखी बानी मैं पढ़ के समझ के अपने जीवन इंप्लीमेंट करनी है सानू किसी नाल भी किसी तरह विवाद विवाद नहीं पैना जे सानू हुन समझ आ गई ते हुन असी इस ते अमल करिए बिल्कुल ठीक वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह